हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कम से कम 100 में से 90% महिलाएं ये प्रेगनेंसी के अंदर गलती करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, बच्चे के बाद अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा कमज़ोर रह जाता है। तो आज मैं आपको वो गलतियाँ बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी टाइम में आप सोते टाइम ये कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पास जो घंटे का बटन है उसे ज़रूर दबा लें, ताकि मैं तब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर महिलाओं का खाने पीने का ध्यान रखती है, तो उसी प्रकार आपका जो सोने का तरीका होता है, सोने की जो पोजीशन होती है, उसका प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रोल होता है। उससे क्या होता है, बच्चे का विकास अच्छे से होता है, न्यूट्रिशन अच्छे से जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, बच्चे का विकास अक्सर हो जाता है। देखिए, जो पहली बार माँ बन रही होती है उनको अक्सर ये जो गलतियाँ होती हैं, ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सबसे पहले गलती क्या होती है कि जब महिलाओं को पता चलता है कि उनकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है, उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद महिलाओं की जो प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही पहले से ही आदत होती है, किसी किसी महिलाओं की आदत होती है कि पीठ के बल या पेट के बल ज़्यादा सोती है, पेट के बल सोने के बिना उन्हें नींद नहीं आती, तो फिर जब उनकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है तो वही आदत उनकी बनी रहती है। वो सोचते हैं कि अभी तो मेरा बेबी छोटा है, अभी तो मेरा पेट भी नहीं निकलना शुरू हुआ, तो अभी अगर मैं पेट के बल सोती हूँ तो मुझे कोई भी बच्चे को नुकसान नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये आप गलत सोचते हैं, जबकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके बाद आपको पेट के बल नहीं सोना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आप जो अगर फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसके अंदर अगर आप पेट के बल सोते हैं तो इससे फिर आपका मिसकैरेज होने का भी खतरा रहता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको पूरी प्रेगनेंसी पेट के बल नहीं सोना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड गलती। सेकंड गलती क्या करती है, महिलाएं हमेशा एक ही करवट लेकर पूरी रात सोती रहती हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती बात है, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी में एक ही करवट लेकर नहीं सोना चाहिए, आपको बीच बीच में पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप किसी महिला को जैसे राइट करवट लेकर नींद आती है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर लेफ्ट करवट लेकर सोना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब उसके बाद आपको बीच बीच में करवट चेंज करते रहना, आपको राइट साइड भी लेट सकते हो, थोड़े बहुत टाइम के लिए आप पेट के बल भी लेट सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, आपको ज़्यादा टाइम लेफ्ट करवट और बीच बीच में आप राइट करवट भी लेते रहने, क्योंकि लेफ्ट करवट लेने से बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। प्रेगनेंसी में ब्लड का अच्छे से सर्कुलेशन होता है, बच्चे को भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो अच्छे से बच्चे तक पहुँच जाते हैं। साथ इसका फायदा ये होता है कि कुछ महिलाओं का एक क्वेश्चन होता है कि मैम, मुझे मेरे बच्चे की हलचल फील नहीं होती, तो आप लेफ्ट करवट लेकर लेटी, आपको अपने बच्चे की जो हलचल होती है वो बहुत ज़्यादा महसूस होगी। नेक्स्ट गलती जो महिलाएं करती हैं कि आप पीठ के बल सोती हैं। देखिए, जब आपका 4th महीना शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पीठ के बल सोने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो उनमें ये होता है कि जैसे ही आपका जब 4th मंथ शुरू हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो बच्चे का और गर्भनाल का जितना वजन होता है आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आ जाता है। उसके वजह से फिर आपको क्या होता है, पीठ में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है, और अगर आपकी जो रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा असर पड़ता है तो इसी वजह से फिर आपके जो पैर होते हैं उनके अंदर अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड, प्रेगनेंसी में 4th मंथ के बाद आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, इससे आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं, साथ ही बच्चे को भी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट गलती ये होती है कि प्रेगनेंसी में कुछ महिलाएं सोते टाइम ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती, जैसे अपने सूट वगैरह पहनने का बिल्कुल फिटिंग वाला, आपको वो नहीं पहनने चाहिए, आपको अपने पेट पर थोड़ा सा भी कसाव महसूस नहीं होने देना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी में ढीले ढाले कॉटन के हल्के जो कपड़े होते हैं, ज़्यादा मोटे कपड़े भी आपको नहीं पहनने चाहिए आपको, जिससे क्या होता है, आपको अच्छा सा रिलैक्स फील कर सके, बच्चे के ऊपर भी किसी भी टाइप का कोई दबाव ना पड़ सके और आप आराम से सो सके। नेक्स्ट गलती क्या होती है कि जैसे आप सो रही हैं आप अचानक से करवट चेंज कर लेती हैं, झटके से करवट चेंज कर लेती हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, गर्भ में बच्चा डर जाता है, बेचैन हो जाता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप जैसे सो रही हैं गहरी नींद के अंदर, बच्चा भी सो रहा होता और आपको एकदम से कोई जगा दे या आपको कोई एकदम से सोते सोते उठा दे, तो आपको कैसा फील होगा, आप भी एकदम से डर जाएंगे, तो वैसा ही बच्चे के साथ भी होता है। तो आपको अपनी करवट सोते टाइम एकदम झटके से नहीं उठना। कई बार ऐसा होता है जैसे हम सो रहे हैं, कोई हमें बुलाता है,
तो आप झटके से उठ कर चल देते हैं। तो आपको ये प्रेगनेंसी में गलती नहीं करते हैं। आपको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप आराम से उठिए, आराम से बैठिए। ये सब आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ये गलतियाँ बताई हैं, अगर आप प्रेगनेंसी में करती हैं तो इससे आपको तो नुकसान होगा ही, साथ ही आपके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आई होप कि आप अब से ये गलतियाँ नहीं करेंगे, आप ताकि आपके बच्चे का जो अच्छे से विकास हो सके, बच्चे को अच्छे से पोषण मिल सके और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी बनी रहे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरी ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।